मुस्लिम देश कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। कतर ने पिछले साल से ही गैरकानूनी तरीके से भारत के इन 8 पूर्व अधिकारियों को कैद में रखा हुआ है और अब अचानक कतर ने इन 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुना दी। इस फैसले के बाद भारत सरकार भड़क गई है। भारत सरकार ने कतर की अदालत के इस फैसले पर गहरा दुख जताया है। भारत ने कहा है कि इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। आपको बता दें कि कतर वही देश है जो लगातार इसराइल और हमास की जंग को भड़का रहा है। कतर कई बार भारत के खिलाफ भी जहरीला एजेंडा चला चुका है, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो या नुपुर शर्मा विवाद। कतर ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था, लेकिन भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाकर कतर ने हदें पार कर दी हैं। कतर से बदला लिया जाएगा और जरूर लिया जाएगा। कतर उन मुस्लिम देशों में से एक है जो भारत से नफरत करते हैं। कतर को ये कभी पसंद नहीं आया कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मजबूत देश भारत से कैसे दोस्ती कर सकते हैं। इसीलिए कतर और कतर का सरकारी मीडिया अल जजीरा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। बहरहाल अब आपको भारत के इन 8 पूर्व नौसैनिकों के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। आपको याद दिला दें कि अगस्त 2022 से ही कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को बंधक बना रखा है। कतर ने इन पूर्व अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाया था। हैरानी की बात देखिए कि कतर ने ना तो कोई सबूत दिया और ना ही कोई बयान दिया। कतर ने चुपचाप इन 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से दुनिया के सामने आई। पिछले ही साल 25 अक्टूबर को एक महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। महिला ने कहा कि इन 8 पूर्व नौसैनिकों ने भारत की सेवा की है, इनमें से कईयों को तो मेडल तक मिले हैं, लेकिन कतर की सरकार ने इन्हें चुपचाप उठा लिया। अपने ट्वीट में इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था। आपको बता दें कि इन अधिकारियों में 3 रिटायर्ड कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक शामिल हैं। ये सभी लोग रिटायरमेंट के बाद कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के अलावा ये कंपनी कतर की नौसेना को अन्य सेवाएं भी प्रदान करती है। इस कंपनी का मालिक ओमान वायु सेना का एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर था। कतर ने बिना किसी सबूत के ये बोल दिया कि भारत के ये पूर्व अधिकारी इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। हैरानी की बात देखिए कि कतर की सरकार ने कई महीनों तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इन पूर्व नौसैनिकों से मिलने नहीं दिया था, लेकिन अब कतर ने भारत के इन पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी है।